हेलो, वेलकम टू ऑल. वेलकम टू साई स्टडी क्लासेस, ओडिशाज नंबर वन पीएड एंड स्टडी चैनल. देन माय नेम इज भवानी. मु आपमनकर हिस्ट्री एंड पॉलिटी रो मेंटर अछि कोथरे ना बीएड पई. देन देखो आमर कोन ना गोटे सेगमेंट चलछि जो हिस्ट्री एंड पॉलिटी रो आमे जो कांसेप्ट आयो कांसेप्ट पढ़ौ छु आपन को कांसेप्ट क्लियर करौ छु. जदि आपन माने बुझि पर ना मते कमेंट जणांतु. मु प्रीवियस क्लास रे जहां पढ़ैतिली आपन माने जदि मते कमेंट जणांती मु श्योरली ए क्लास रे मु ताको कन्फर्म पढ़ेबी. ओके, देन देखो काली आपण मानकर OSSSSC रे जो ARI ओमिनो एंड फॉरेस्ट गार्ड एक्साइज कांस्टेबल जो जो एग्जाम गला 5 वेरिएंट टाइप्स ऑफ कंबाइंड एग्जाम तो तार समस्ते भलो करथिबे. आई होप समस्तंकर भलो हिथिबे एग्जाम. एंड जो माने भी निजर बेस्ट दिथिबे मैथ मैथ पढ़थिला ओडिया पढ़थिला इंग्लिश पढ़थिला जीके पढ़थिला कंप्यूटर पढ़थिला तो समस्ते भलो करथिबे. ओके, तो से अनुसार आम क्लासेस भी बहुत भले से चलिए. आपको क्लासेस जब भल लगुए तेज आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिंतु. आपको लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर आम मानक मोटिवेशन दबो. ओके, देन देखो आम प्रीवियस क्लास रे पढ़े छुआ कर्नाटिक वार. कर्नाटिक वार जो इंग्रेज मानकर जो स्टेपटा पकईला इंग्रेज मानकर जो भारत जो स्टेप पड़ला बा मूलदुआ पड़ला तार मेन वार्डटा आम आपको पढ़ेलु. आज पढ़ेगा सेमाने केमती आम भारतीय मानकु बा मोगल मानकु डोमिनेट कले. ओके, तांकु पूरा पछै देले बा तांकु आम देशरु काढ़ी देले. ओके, ए सब उपर आबे आम आगेबा केमती माने ब्रिटिश जो राइज ऑफ ब्रिटिश पावर जो तुमर जो सिलेबस रे दिछि आम ताकु भलसे डिस्कशन करबा एट द टॉप ऑफ द पॉइंट एंड द टॉप ऑफ द बैटल्स. माने कौन ना पॉइंट जहाँ रोचे एवं बैटल्स जहाँ रोचे जो थे भारतीय माने डोमिनेट होती. ओके, देन देखो बैटल ऑफ बक्सर इट इज इट्स कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस. एटा बहुत से पढ़ छुआ कहीं बहुत इंपोर्टेंट. देखो बैटल ऑफ बक्सर वाज द डिसिसिव बैटल व्हिच डिफाइंड ब्रिटिश एज अ रूलर दैट वाज फॉट बिटवीन इंग्लिश फोर्सेस एंड कंबाइंड आर्मी ऑफ मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल नवाब ऑफ अवध अवध सेटा हम एंड शाह आलम द्वितीय. ओके, कौन किए ना मुगल एम्पायर थे माने कहाँ कहाँ भितर हो ना गोटे साइड रे कौन ना बिटवीन इंग्लिश फोर्स एंड द कंबाइंड आर्मी ऑफ मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम द्वितीय. एटी बेईमानी करदे किए किए कही पार एटी किए तांको सहित बेईमानी करेंगे जो नवाब ऑफ बंगाल बा सुजाउद्दौला साथ बेईमानी करेंगे किए किए कही पार मत कमेंट रे जणेबे. ओके, आम तो आगे पढ़ा मत ये कमेंट रे जणे दिंतु. द बैटल वाज द आउटकम ऑफ द मिसयूज ऑफ फरमान एंड दस्तक. ओके, बैटल वाज द आउटकम ऑफ द मिसयूज ऑफ फरमान एंड दस्तक एंड ऑल्सो ट्रेड मान कौन एक्सपानसनिस्ट एस्पिरेसन ऑफ इंग्लिश. ओके, देख फरमान एंड दस्तक मैंने कौन ना से किसी फरमान पठाते धर जो सपोज किसी ट्रेडिंग करने आम गोटे कौन कह धर जो गोटे म्यूनिसिपैलिटी एरिया से गोटे बड़ बिजनेस स्टार्ट करिया माने आम कौन क्या ना जे चेयरमैन अच्छी मेयर अच्छी आम पत्र दबा तार परमिशन वन टाइप ऑफ परमिशन नि जाए गोटे बड़ बिजनेस कि पानी थ्रो रु जहाँ जेकोसी एग्जाम्पल धरनीय तो एमती दि जाए तो से कौन करते छुआ ना से फरमान दौले क्या ना ब्रिटिशर्स मानक. ओके, हाँ ब्रिटिशर्स मानक दौले ब्रिटिशर्स मैंने एमंक दौले जेहेतु एम एठिकार राजा थे बेंगल राजा थे नवाब थे तो ब्रिटिशर्स मैंने से दौले एंड दस्तक मैंने पासेस मैंने कौन ना पासेस किसी थी पासेस दि जाऊला बिकज धर जो सपोज से गोटे किसी ट्रेडिंग कले नील जिनस नील जो चाष को यू बाहर को पठले धान हो मैंने धरा जाऊ धन्य पार करने कौन दस्तक दरकार. ओके, पासेस दरकार दस्तक मान छुआ पासेस मन रख दस्तक मान कौन ना छुआ दस्तक मान पासेस. ओके, पासेस देन देखो इट ऑल्सो ट्रेड एक्सपोनिस्ट एस्पिरेशन ऑफ इंग्लिश. देन देखो October 22 on 22 October 1964 the battle of Buxar took place and the Indian army was defeated. The battle of Buxar provided itself the turning point of history of India. Okay, eta ame kaha upare padhuche battle of Buxar. Okay, apanku ha bas battle of Palasi yuddh bisare mu padhi deithili. Then dekho
Battle of Buxar took place and defeated. The Battle of Buxar provided itself and the turning point of Indian history in 1764. Shajauddaullah and Shah Alam Ditya signed the Treaty of Allahabad. Treaty of Allahabad se vitre itla with the Clive, who become the governor of the company. Okay, who become the governor of the company? Company ra governor thile. Mane chua gude Allahabad treaty hi dila kaha kaha vitre na Shajauddaullah and Shah Alam Ditya. Okay, tanka vitre gote kon na treaty एवं कहा सहित होता ना क्लाइव सतर होता जे अल्लाहाबाद एरिया आमको दे दि जाओ आमर एथर अल्लाहाबाद उपर कब्जा रहा क्यों मान कर ब्रिटिश मान कर कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर दिस ट्रीटी द इंग्लिश कंपनी सिक्योर द दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड ओडिशा. ओके दिस ब्रिटिश कंपनी सिक्योर द बंगाल बिहार एंड ओडिशा जो तार दीवानी था तार जो रेवेन्यू सिस्टम किए नहीं ना ईस्ट इंडिया कंपनी ना बहुत इजी अच्छी बहुत इजी नोट अच्छी स्टोरी अच्छी बहुत भल से देख मु पूरा गोटे गोटे स्टेप बाय स्टेप स्टोरी वाइज कौच नोट्स भी सेमतिया स्टोरी वाइज अच्छी आपन को पढ़ले ही भल लगे जस्ट खाली फॉलो करो. ओके जान देखो व्हिच गेव द कंपनी द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द टेरिटोरीज द नवाब ऑफ अवध कैडेड अहलाबाद एंड द कोरा टू द मुगल एम्पायर हु बिगेन to reside at the Allahabad under the protection of British troops. The company agreed to pay rupee 26 lakh every year to the Mughal Empire, but they stopped making the payments after soon. Okay, मैंने से agreement रही थी ला. ठीक हो जी तुम्हें नहीं हो नहीं तो पर ईयर आपको कहते दो ना 26 लाख माने हाँ कहते अमाउंट देखो सत्ते वाले टाइम रो 26 लाख माने इट इज द ह्यूज अमाउंट. ओके ह्यूज तो ना मुगल एम्पायर को दब बट से कौन कले एटा को भी स्टॉप कर दे द कंपनी प्रॉमिस टू सेंड इट्स ट्रूप टू डिफेंड द नवाब अगेंस्ट एनी इन्वेडर माने बाहरिया शत्रु मान पाखु किए कंपनी ट्रुप्स दब बा सैन्य सामंत दब क्या नवाब मान को रक्षा करने फॉर व्हिच नवाब वुड बी रिक्वायर्ड टू पे दस द नवाब ऑफ अवध बिकम डिपेंडेड ऑन द कंपनी. ये देख से कमती डिपेंडेड होती जहाँफल निजर से मनोपली चलने केमती सक्षम होती. ओके देन देख In the meantime, Mirzafar had again been made the Nawab of Bengal. Ki Mirzafar je beimani karthila. Kaman kathar na Shajauddaullah satre. The officials, the company made huge personal profit by the extorting money of Nawab. Nawab dwara semane bahut huge amount of profit gain gale. Event of the leading battlefield. मिसयूज ऑफ द फरमान एंड जो लीडिंग बैटल फिल्ड सब कौन कौन मिसयूज थी देख मिसयूज ऑफ द फरमान एंड दस्तक बाय द ब्रिटिश व्हिच चैलेंज्ड द मिरकासिम अथॉरिटी एंड सबोर्डिनेटी. ओके एबोलिशन ऑफ ऑल ड्यूटी ऑन इंटरनल ट्रेड ऑफ ब्रिटिश. ओके एबोलिशन ऑफ ऑल ड्यूटी ऑन इंटरनल ट्रेड ऑफ ब्रिटिश misbehavior of the company servant they complained but complete the indian artisan artisan mane kon na chua je mane huchi mane je mane kola 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 premi loko ba kola jana kor thila nrutya ho chitrakar ho mane gayak ho entire. okay pleasants and the merchant to sell their goods at the cheap price and also started the tradition of the bribes and the gift. okay then dekho plundering attitude of British which not only abuses the trade ethics but also challenges the nawab of authority. okay से माने कौन कले ना प्लंडरिंग एटीट्यूड कले क्यों मान के साथ ना ब्रिटिश मैंने क्यों मान के साथ ना से मान के साथ नवाब मान के साथ एब्यूज द ट्रेड एथिक्स बट द चैलेंजेस नवाब अथॉरिटी. कंक्लूजन कौन है कौन ना बैटल ऑफ बक्सर देख छुआ मत मैं मन पकई दे बैटल ऑफ पलासी पढ़ेगी कि नहीं जब प्रीवियस क्लास में बैटल ऑफ पलासी जब पढ़ेनि श्योर मुझे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेदेवी वरीड हबार ना. बैटल ऑफ बक्सर प्रोवाइडेड इटसेल्फ टू बी ए टर्निंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया. फर्स्ट रूम कही द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन द थ्री कोस्टल एरिया नेमली कोलकाता बॉम्बे एंड मद्रास. The Anglo-French War in the Carnatic and the Battle of Plassey of Buxar began the period of British consequence in India. And by the 1765, the British had become the virtual ruler of Bengal, Bihar, and Odisha. देखो,
ସେହି ସମୟରେ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆସିବେ ଆଉ ଥରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଦି ନବାବ ଅଫ୍ ଅୱଧ ହ୍ୟାଡ୍ ବିକମ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦେମ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋ ୱାଜ୍ ଦ ନବାବ ଅଫ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ହୁ ୱାଜ୍ ଦିଅର୍ ଦ କ୍ରିଏସନ୍। ଓକେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସର୍ରେ ମେନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆହ୍ଲାବାଦକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଗଲ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା ନା 26 ଲକ୍ଷ ପର୍ ଇୟର୍ ନେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ପଲିସିଟାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଲେ, ଟ୍ରୁପ୍ସମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପଠାଇଦେଲେ ଯେ ଯାଅ ତୁମେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଦେନ୍ ବା ତାଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ତୁମକୁ ଦେବେ। ତାହେଲେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ତାଙ୍କର ନିଜର ମନୋପଲି, ଟ୍ରୁପ୍ସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ସେଠି ଜଗିଲେ ଯେ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଠି କିଛି ଅପରାଧ ବା ସେଠି କିଛି ମାନେ ଗେର କାନୁନୀ କାମ କରିବାକୁ ଦେଲେନି କେଉଁମାନେ, ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ, ମିନ୍ସ ବ୍ରିଟିଶ ଯାହା ବି ହେବ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଆଖି ଆଗରେ ହେବ। ଓକେ, ଏଇଟା ଥିଲା ବେଙ୍ଗଲ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ସଟା କିଏ ନେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମଟା କିଏ ନେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ। ଓକେ, ସେତେବେଳକୁ ଟୋଟାଲି ଏଣ୍ଟାୟାର ଏରିଆ ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କଭର୍ଡ଼ ବାଇ ଦ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲା କେଉଁଥିରେ ନା ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସର। ଦେନ୍ ଦେଖ, ଡୁଆଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲ 1765 to 1772। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଦ ଇନ୍ଫର୍ମେସ୍ ଡୁଆଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆଫ୍ଟର ଦ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ। ଓକେ, ଅଣ୍ଡର ଦ ଡୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁଆଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦି କମ୍ପାନୀ ଗୋଟ୍ ବୋଥ ଦିୱାନୀ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ନିଜାମତ ସିଭିଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଫ୍ରମ୍ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସ୍, ଦିୱାନୀ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟର ଆଣ୍ଡ ନିଜାମତ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନବାବ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ଓକେ, ମାନେ ଦିୱାନୀ ହେଲା କ'ଣ ନା ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟର, ଆଉ ନିଜାମତ ହେଲା ନବାବ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ଓକେ, ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ଦି କମ୍ପାନୀ ୱାଜ୍ ଅଥରାଇଜ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଟୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ଆଜ୍ ଦ ଦିୱାନୀ, ହ୍ୱାଇଲ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ରାଇଟ୍ ନୋମିନେଟ୍ ଟୁ ଡେପୁଟି ସୁବେଦାର ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପୋଜିସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଟୁ ଦ ନିଜାମତ ଅର୍ ପୋଲିସ। ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ଦେଖ ସପୋଜ ଦିୱାନୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଧର ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଭାଇ ଡିଭାଇଡେଡ଼ କରିଦିଆଗଲା, ଦିୱାନୀ ଆଣ୍ଡ ନିଜାମତ ବା ପୋଲିସ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ବା ମାନେ ଇଏ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ କେ ମାନେ ନିଜାମତବାଲା କରିବେ, ଦିୱାନୀବାଲା କ'ଣ ଖାଲି ପଇସା ଉଠାଇଲେ। ଧର ଯେଉଁ ସପୋଜ ଏଇମାନେ ଯାହା ବି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଏ ଦରକାର, ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଦରକାର, ରକ୍ଷକ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଦେନ୍ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଦି କମ୍ପାନୀ ୱାଜ୍ ଅଥରାଇଜ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ଏଜ୍ ଦ ଦିୱାନୀ, ହ୍ୱାଇଲ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ନୋମିନି ଅଫ୍ ଦ ଡେପୁଟି ସୁବେଦାର। ଓକେ, ଡେପୁଟି ସୁବେଦାର ଯିଏ ଥିଲେ ବା ସୁବେଦାର ଯିଏ ଥିଲେ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପୋଜିସନ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦ ନିଜାମତ, ନିଜାମତ ଅର୍ ପୋଲିସ ଅର୍ ଦ ପୋଲିସ ବା ଦ ଜୁଡ଼ିସିଆଲି ପାୱାର, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପାୱାରଟା ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ଼ କରିଦିଆଗଲା। ଦେନ୍ ଦେଖ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏମିତିଆ ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ, ଦି ଡେପୁଟି ସୁବେଦାର କୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ରିମୋଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଦ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ। ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଡେପୁଟି ସୁବେଦାର କ'ଣ ନା ବିନା କନ୍ସେଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀର କାହାକୁ ବି ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଣ୍ଡର ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦି ନବାବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ୱାର୍କ ଅଫ୍ କ୍ରିମିନାଲ ସିଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ତୁମେ ମନେ ରଖିବ, କାହିଁକି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଟାଇମ୍ 1765, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱର୍କସ୍ ଅଫ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲି ୱର୍କସ୍, ଏଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ଏବେ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ମନୋପୋଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଏବେ ଏଠି ରୁଲ୍ସ ଚାଲିବ, ରୁଲ୍ସ ମାନେ ଯାହା ବି ପୋଲିସ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ଜୁଡ଼ିସିଆରି ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ସିଭିଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ସବୁ ଏଠି ଚାଲିବ। ଚ ଭଲସେ ମନେ ରଖ, ନୋଟ୍ସରେ ମୁଁ ବହୁତ ଡିଟେଲ ଦେଇଛି, ତୁମକୁ କନସେପ୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା, ୟାଠୁ ବେଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ବୋଧେ ବିଏଡ଼୍ ପାଇଁ କେଠି ବି ପାଇବନି। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇନ୍ ଲାଇଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିକ୍ସଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରିନ୍ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ବାଇ ଦ କମ୍ପାନୀ। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏ ନେଟିଭ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହ୍ୟାଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଏନ୍ଜୟଡ଼୍ ଦ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଅର୍ ଇନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଅଦର ୱାର୍ଲଡ ଅଥରିଟି ୱାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଡିଭୋର୍ସଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ମାନେ କ'ଣ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ନେଟିଭ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟା ନେଟିଭ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା, ହ୍ୟାଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଏନ୍ଜୟଡ଼୍ ଦ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଅଦର ୱାର୍ଲଡ। ଓକେ, ଅଥରିଟି ୱାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଭୋର୍ସ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଦେନ୍ ଦେଖ ତ ସେପାରେସନ୍ ଆଉ ଦି ପିରିୟଡ଼୍ ୱାଜ୍ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ୍ ବାଏ
देखो रैम्पेंट करप्शन अमंग द सर्वेंट ऑफ द कंपनी हु मेड फुल्ली प्राइवेट ट्रेडिंग द ईच रिच देमसेल्फ माने कौन ना सत्ते बेले छ करप्शन स्टार्ट हेला इंडियन माने एक्चुअली तो लोबी मु कोइ थिले जो माने भी थिले ब्रिटिश एंड इंडियन सोल्जर्स जमन थिले बा सुबेदार्स जमन थिले तांको तांको भीतर छ ईर्ष्या एंड करप्शन स्टार्ट हेला देन से माने कौन कले निजो निजो भीतर किछि जिंस निजे निजे प्राइवेट ट्रेडिंग कर देले ओके निजे निजे पैसा इनकम करिवार माध्यम बनि गेले Exclusive revenue collection and operation of peasantry. The company is bankrupt while the servant were fully rich. In the British government, in the bank. Okay, मुँ तुम्हें ये गोटे क्वेश्चन पूछा जी. Clive को सही टाइम में कौन कुआं दिला था? कौन उपाधि दिया उसला? Okay, की कोई पहली हूँ. The dual government in Bengal failed miserably. It destroyed the trade industry and agriculture of Bengal. The company also did the remain unaffected by the evil of the administration. It in the both revenue and trade suffered. The practice of private trade, which remained the primary concern of this servant, also provided destroyers of the fortune of the company. Okay, and the company, the vision, dekhi dila je ame Bharat re etki tonga grow karibu ba etki tonga mane income karibu ba aya karibu. E sub jo corruption jaha bhi start hela. एटा होची तांकर पूरा सफरिंग हेगला टोटल करी पारले नाही ओके देन देखो द कंसीक्वेंस ऑफ द मैसूर द कंसीक्वेंट ऑफ द मैसूर एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ मैसूर माने छ एटा एटा हमें डायरेक्टली एबे पढ़ीबा जे व्हाट इज द मैसूर वॉर ओके मैसूर वॉर रो माने कांसेप्ट हमें एबे पढ़ीबा देन देखो छ जदी मु एक्चुअली थ्योरी को तो भल से पढ़ौची तो माने भल से पढ़ो बिकॉज़ ना एटा बहुत इंपोर्टेंट बैटल ऑफ बक्सर कौन होता कर्नाटिक वार केमती होता ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम रे कौन कौन परमानेंट सेटलमेंट भी पड़ा अमर ड्रेन ऑफ वेल्थ भी पड़ा जहाँ भी आसाला ओके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी पड़ा सब पड़ा ओके टेंशन किसी नवार ना दि कन्सिक्वेंट ऑफ मैसूर मैसूर वर्स कन्सिक्वेंट रिजल्ट कौन होता ब्रिटिश एक्सपेंशन ऑफ द पावर ऑफ मैसूर Hyder Ali started his career as a soldier in the Mysore state where he later became the Fauzdari of Dindigul. Okay, Fauzdari of Dindigul rehla. While the help of French, he was able to establish a modern arsenal in Dindigul. Okay, modern arsenal mane chha kon na gote gola barud karkhana ba gote modern creativity jeta kaha jae se start kale kodi na Dindigul. And in 1761, Hyder Ali overthrew the Najaraja, the Prime Minister of Udayar Kingdom under the King Krishnaraj First. He kept recognized the King as the lawful ruler. Okay, देखो, मैं तुमको ये पूछे दो जी. मैंने ये टाइप का Hyder Ali का जो intro कहा जाए ना intro टा, शेरा intro टा दीजिए. तो हैदर अली ओवरथ्रो द नंजराज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वुडायर किंगडम अंडर द किंग कृष्णराज ही केप्ट रेकोगनाइज द किंग एज द लॉफुल रूलर फॉर द कंसीक्वेंस्ट ऑफ मैसूर द इंग्लिश फोर्ट फोर वार विथ मैसूर लेट्स टुक एट देम वन बाय वन ओके फर्स्ट एंग्लो वार टा कौन कहते देखो 1767 To 69, a tripartite alliance was formed against Hyder Ali by the Britishers. Okay, a tripartite alliance was the formed against Hyder Ali by the Britishers. The Nizam Ali of Hyderabad and the Marathas. Okay, हम तुम कहीं दिखो बोल से बुझे दूजे देखो कौन है ला? The first Anglo-Mysore War के तरह हो जी, ना? जब तरह Bengal ले dual government system चल जी, means 1765 to 1772 ओके तहारी भितर मैसूर रे मींस साउथ साइड रे गोटे कौन ना वार चलला फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार ओके से कोजी कौन ना एटा हला त्रिपार्टी अलायंस वाज फॉर्म बाय द हैदर अली बाय द ब्रिटिशर्स ऑफ निजाम अली हैदराबाद एंड मराठा माने ई तीन त्रिपार्टी अलायंस तीन जन का भितर अलायंस हला देन देखो हैदर अली बॉट मराठा एंड सक्सीडेड द ब्रेकिंग ऑफ अलायंस अमंग एंड
ऑलुरिंग द निजाम ऑफ टेरिटोरियल गेन्स माने से कौन छुआ कहूँ ना हैदर अली या को अलायंस को भांगिले ब्रेकिंग कले एवं मराठास मान को गोटे स्वतंत्र स्वतंत्र टेरिटोरी देवा को ट्राई कले चेष्टा कले एवं देले भी टुगेदर विद द निजाम ही लर्न्स टू अटैक आरकोट एंड लेटर द इंग्लिश आर अपीयरिंग द गेट ऑफ मराठास माने कौन छुआ ना से माने आरकोट रे एटा मेन वर टा म तुम कोइ दिजु आरकोट वर हला एटी मेन वर आरकोट बोली गुडे जागा हला सेटी गुडे अटैक लॉन्च करा गला एवं के मान को डोमिनेट करा गला मद्रास मान को ओके द पैनिक स्ट्राइक इन मद्रास गवर्नमेंट साइंड द ट्रीटी ऑफ मद्रास ऑन 4 अप्रैल 1969 अंडर व्हिच द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर टेरिटोरियल एंड डिसेसिव अलायंस वेयर द इंग्लिश कमिटेड टू हेल्प हैदर इन केस ही वाज अटैक द अनदर पावर ओके क्यों माने सहाय गले इंग्लिश माने देन से कौन कहु छुआ ना वेयर द इंग्लिश कमिटेड टू हेल्प हैदर अली इन द केस ही वाज अटैक द अनदर पावर देखो ये केमती कौन कहु ना से एक्चुअली से क्यों मान को कौन जान जो फ्रेंच रो कि अंश रही से मानक टोटाल यू डोमिनेट डोमिनेट तो से टोटाल तो आउ किसी रही जाता है जे आउ किए भी तुमको अटैक करे आम तुमको हेल्प करिया ब्रिटिश मैंने तुमको हेल्प करेंगे ओके एमती ट्रिटी होता देन देखो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन बिटवीन इंग्लिश एंड हैदर अली एटा होची मेन कॉज जो तुमको मेन कॉज के पचारे म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन बिटवीन द इंग्लिश एंड हैदर अली कॉज द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली एक्यूज द कंपनी ऑफ नॉट ऑब्जर्विंग द टर्म ऑफ डिफिसिव ट्रेड ट्रीटी व्हेन दे रिफ्यूज टू हेल्प हिम विद व्हेन द मराठा अटैक द मैसूर इन 1771 माने कौन ताको हेल्प कले जो मराठा अटैक द मैसूर मैसूर रूप से जो अटैक कला से हेल्प कले फर्दर मोर हैदर अली हाँ हैदर अली वाज हेल्प टू फ्रेंच बाय द मीटिंग ऑफ मिलिट्री डिमांड फ्रेंच मानक मुझको कही थी ये फ्रांसीस मानक से मैंने किसी मानते ये करते बट से हेल्प कले तो से हेल्प को सी दरकार कले ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट इन द आउटब्रेक द अमेरिकन वार इंडिपेंडेंट वेयर द फ्रेंच अलायंस विद द अमेरिका कोलिजेंस वाज एविडेंट एविडेंट एटा किसी नुहे ए पॉइंट गुटा किसी मन रखी बट देख से तापरे कौन कहूँ दिस डेवलपमेंट वेयर द वॉरेन हेस्टिंग्स एक्सट्रीमली सस्पेंशन ऑफ द हैदर अली रिलेशन विद द फ्रेंच कि मैंने से जानी पाइले जे हैदर अली रिलेशन का फ्रेंच सतर बहुत भल रही द ब्रिटिश कैप्चर द माहे एंड द फ्रेंच सेटलमेंट वाज द विद इन हैदर अली प्रोटेक्शन द लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द अलायंस बाय द हैदर अली विद द हैदराबाद निजाम एंड मराठा एग्निस्ट इंग्लिश कंपनी इन 1779 देन देखो द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार बिगिन इन जुलाई 1780 वेयर हैदर अटैक द कर्नाटिक एंड कैप्चर आरकोट बाय डिफीटिंग ऑफ इंग्लिश आर्मी अंडर द कॉलोनियल बायली ओके मीनवाइल द इंग्लिश डिटैच द मराठा एंड निजाम फ्रॉम हैदर साइड आफ्टर द बीइंग डिजर्टेड हैदर वाज डिफीटेड एट द प्रोटोनोवो इन 1781 हैदर अली डिफीटेड हुई फाइनली In 1782, Hyder Ali died to leaving the task unfinished of his son Tipu. Ebe jaha bhi rohi yithila ebe kamo ki kariye Tipu Sultan. Tanko story ebe start hela. Who continued the war the English for another year. This war ended with the Treaty of Mangalore in March 1784. Chhoida mon rakhiyo. On the basis of mutual restitution of each other territorial or acquired. ओके थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ा कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ा कि तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़िया टेंशन किसी नवार ना कहीं मुझे पढ़ाऊँ आपण मानक फर्स्ट मैसूर वॉर सेकंड मैसूर वॉर जब भल लगी तेल ठीक अच्छे लाइक करदे जदि न भल लगी किसी असुविधा नहीं मतलब कमेंट रे पचारंतु सर आउ थे कौन है कहीदेवे ओके तो आम आज किसी क्वेश्चन आलोचना करदे तो आपण मैं फर्स्ट क्वेश्चन Who is the governor of Bengal? इड़ा को. Who is the governor of Bengal? अब तो लिख दूँ ची. Who is the governor of Bengal? Who
हु इज द गवर्नर ऑफ बेंगाल? के ना, रॉबर्ट क्लाइव। ओके, रॉबर्ट क्लाइव इज द गवर्नर ऑफ बेंगाल। नेक्स्ट लिखो ना, व्हाट इज द मेन इवेंट ऑफ कर्नाटिक वार? व्हाट इज द मेन इवेंट ऑफ कर्नाटिक वार? और वेयर इज द कर्नाटिक वार एंड इन इंडिया विथ व्हिच ट्रीटी? बुझ पा रहे हो? तो इटर आंसर लेना, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। ट्रीटी ऑफ पेरिस इज द मेन इवेंट ऑफ कर्नाटिक वार। से फ्रेंच मान को डोमिनेशन ही होजी, फ्रेंच मैंने हारी होती ये क्वेश्चन तुमको पचारे। एंड ब्रिटिशर्स मैंने टोटाली इंडिया उपरे कब्जा करछन्ती एवं से जो कॉलोनियल वार चलते जो यूरोप रे जो चलतिला ताकु भी मध्य जीती होजन्ती। देन देखो, व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी केबे हितला? हु कैन से बैटल ऑफ प्लासी केबे हितला? 1757। डेट की कोई वैल्यू, डेट की कोई वैल्यू, डेट मत कमेंट रे कोंतु। ओके, डेट एंड मंथ मत कमेंट रे कोंतु। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हु इज इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हु आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ओके, जवाहरलाल नेहरू। देन कॉन्स्टिट्यूएंट, सॉरी, हमरो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रियम्बल। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टा एज ए प्रियम्बल बा प्रस्तावना ही हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आसला। व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? नाइन डिसेम्बर 1946। ओके, तो आज ये इतनी मुझे एथर एवं गोटे सीरीज स्टार्ट करी डेली मुझे क्वेश्चन आंसर आलोचना करी, हिस्ट्री रो पॉलिटी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, मुझे डेली एथर क्वेश्चन आंसर आम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करी। निजे निजे एमती पचारि आपको गोटे 5 सेकेंड टाइम देवी आपने कहे। ओके, यहाँ मुझर टू स्टार्ट कली। ओके, आज गोटे जस्ट पचार देली, नेक्स्ट क्लास रे इटा हमर कंटिन्यू हबो, पूरा क्लास रा आरंभ रे कंटिन्यू हबो। देन आमे आको जीवा बा क्लास रो मिडिल रे टिके ब्रेक पई आमे आलोचना कर दबा। ओके, देन ठीक अछि, आपण मानको जदि वीडियो भल लागछि तन चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दियंतु। हमर पेड बैच चलछि, सेते पेड बैच रे भी जॉइन होंतु, सेठी भी हिस्ट्री एंड पॉलिटी रो बहुत गुडी क्लास चलछि, क्वेश्चन आंसर सीरीज चलछि, बहुत किछि चलछि, आपण माने सेते बेनिफिट नै परिवे। एंड तो आपण मान पई आज एतिकी, नेक्स्ट क्लास रे हमें थर्ड एंग्लो मैसूर वार पढ़ा एंड पलासी वार जब मुझे पढ़े नी नेक्स्ट क्लास रे पढ़ी देवी आपने कमेंट रे कहे। देन आउ कौन वर्ल्ड लार्जेस्ट लांगुएज नाम कौन आप आज क्वेश्चन, वर्ल्ड लार्जेस्ट लांगुएज? ओके ओके, वर्ल्ड टफेस्ट लांगुएज बा लार्जेस्ट लांगुएज जहाँ भी कही पार नाम कौन? ओके, तो जय जगन्नाथ, जय हिंद, स्टे सेफ, स्टे होम।